हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? इस समय जो है 7:45 हो रहे हैं। आज 1 जून है, शाम के 7:45 हो रहे हैं और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज मुझे काफ़ी लेट हो गया, पहले सोचा था नहीं बनाती हूँ, फिर मैं कहा नहीं, ये तो मेरा काम है, मुझे करना ही पड़ चाहिए और करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। जैसे ऑफिस में लोग रोज जाते हैं, वो रोज़ जाते हैं, डेली अपनी ड्यूटी देते हैं और ये तो नहीं सोचते ना कि जब वो बीमार होते हैं तभी छुट्टी करते हैं या कोई इमरजेंसी आ जाए तब छुट्टी करते हैं, ऐसे फालतू में वो छुट्टी नहीं करते। इसी तरह हमें भी अपना काम रेगुलर करना चाहिए। कभी कभी हमारा मन परेशान हो जाता है कि व्यूज़ ज़्यादा नहीं आ रहे तो फ़ायदा ही क्या, कोई और ही काम कर लेते हैं, पर ये तो फिर भी इसको करने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है, इसलिए हम लोग करते हैं। तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आज सुबह से मेरी तबीयत ख़राब थी, लूज मोशन लगे हुए थे और आज मैं दिन में दो घंटे सोती भी रही, फिर उठकर काम शुरू कर दिया घर का। फिर मैंने सोचा इनके पापा के आने से पहले ही मैं अपना ब्लॉग का काम कर लेती हूँ, क्योंकि उन्हें आके भी अपना टाइम देना पड़ता है, मुझे उनसे बातें करनी होती हैं, तो उनसे पहले ही मैं अपना वीडियो का काम कर लेती हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि स्वाति जो है ना, वो चली गई है और वो कहाँ गई है, क्यों गई है और कब वापस आएगी, आपको आने वाले वीडियो में पता लगेगा, पर आज मैं थोड़ा सा ही बताऊँगी कि वो चली गई है। कल शाम को वो 4 बजे घर से निकली थी, तो उसने बोला था कि वो सबसे पहले अपने नानी के घर जाएगी, वहाँ पर अपना हेयर कट करा कर फिर 6 बजे वो अपनी जो कोचिंग उसने ज्वाइन की हुई है उस क्लास में जाएगी और वहाँ से 8:30-9 बजे तक घर वापस आ जाएगी। पर हुआ इसका सब कुछ उल्टा, उसे नानी के घर जाने के लिए 2 बसें चेंज करनी थी, तो यहाँ से वो, और मैंने उसे सारा रूट बता भी दिया था, वो पहले भी 1000 बार जा चुकी है, पर इस बार पता नहीं उसने ध्यान ही नहीं दिया, तो वो यहाँ से बस पकड़ी और जहाँ स्टैंड पर उतरना था वहाँ उतर गई, वहाँ से उसे सड़क क्रॉस करके अपोजिट साइड से बस लेनी थी, लेकिन हुआ उल्टा, वो जहाँ उतरी उसी स्टैंड पर खड़ी रही और जो मैंने बस नंबर बताया था उसी की वेट करती रही। जब बस आई वो उसमें चढ़ गई और जब देखा कि बस जो है गलत रूट पर जा रही है, मतलब जहाँ से जाना वहाँ नहीं जा रही, तो तब तक 2-3 स्टैंड निकल चुके थे, तो जब उसने ड्राइवर से पूछा तो उसने बोला कि आपको अपोजिट साइड से बस लेनी थी, फिर वो उतरी और वहाँ से फिर उस अपोजिट साइड से उसने बस ली, उसके लिए उसे 20 मिनट वेट करना पड़ा बस का, अपोजिट साइड से बस ली और बस में चढ़ गई और वो सीधी उसके नानी के घर जाती थी। पर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी कि बस सेम है, 3 बसें हैं, ग्रीन, रेड और ऑरेंज। अब ये मेरे को ध्यान नहीं था उसे बताना कि ऑरेंज बस ही नानी के घर के सामने उतारती है और रेड और ग्रीन बस जो है वो मुड़ जाती है, पहले ही मुड़ जाती है, दूसरे रूट पे हो जाती है। तो वो ग्रीन बस में बैठ गई और जब वो बस जहाँ से उतरना था वहाँ नहीं जा रही थी, फिर उसका रूट चेंज हो गया था, तो उसने पूछा, वो कह रहे थे आपको एक पर्टिकुलर रास्ते पर उतर के वहाँ से दूसरी बस लेनी थी, तो वो फिर गलत चली गई और फिर एक स्टैंड, 2 स्टैंड आगे चली गई, फिर वहाँ से फिर बस पकड़ी, फिर वापस आई, वापस आके फिर सही बस पकड़ के गई। इस तरह से मतलब का बहुत टाइम वेस्ट हो गया। और जब उसे 6 बजे तक कोचिंग में होना चाहिए था, मैंने उसे फ़ोन किया, पता लगा कि वो हेयर कट करा रही है और हेयर कट भी ऐसा कराया उसने, उसके 2-2.5 घंटे लग गए, मतलब हेयर कट भी कराया, पहले बाल वाश कराए, उसको फिर उन्होंने हेयर ड्रायर से सुखाया, फिर उसका हेयर कट किया और फिर वो कह रही थी कि वो ना थोड़े थोड़े स्ट्रिप्स भी जो बालों के होते हैं वो भी कलर कराएगी, तो वो सब कलर कराने में उसे कह रही थी 2-2.5 घंटे लग गए। और वो फिर, और उसके बाद जो है ना, उसे जहाँ जाना था, मेन जहाँ जाना था, उसके लिए उसे 8:30-9 बजे तक घर आना था, क्योंकि रात की 11:40 की बस थी, आउट ऑफ दिल्ली जाना था और 11:40 की बस थी, तो उसे घर 9 अपनी नानी के घर ही बच गए, 9:30 भी हो गए, 10 भी बच गए उसे अपने घर। तो फिर वो कह रही थी कि मैं नहीं जाती, पापा को भेज दो। पापा जो थे वो पहले ही 3 दिन की छुट्टी पे थे, उनका कल 3रा दिन था, वो तो कह रहे थे कि मैं चला जाता हूँ, इसको रहने दो, पर वो कह रही थी नहीं मैं ही जाऊँगी। तो कल लास्ट मोमेंट पे रात 10 बजे वो कहती है कि पापा को भेज दो, पापा कह रहे थे आज ऑफिस जाना है, तो आज अब मैं नहीं जा सकता, मेरी 3 दिन छुट्टी पूरी हो गई, अब तो मुझे ऑफिस जाना है। तो फिर उसके बाद फिर ये डिसाइड हुआ, और जो वहाँ बड़ी बेटी थी वो कह रही थी आज की रात की 11:40 की बस ही लेनी ज़रूरी है, क्योंकि जो दिन की बस है ना वो सूट नहीं करती, वो शाम को पहुँचाती है, फिर आगे कन्वेंस नहीं मिलती है, तो ये दिक्कत थी, इसलिए रात की ही बस लेनी ज़रूरी थी। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि वो आज रात को नहीं जाएगी, मतलब 31 को नहीं जाएगी, वो 1 को रात को निकलेगी। तो बड़ी बेटी फिर गुस्सा हो गई, वो कह रही नहीं मुझे 31 का ही, मतलब उसको 31 को बस में बैठना चाहिए। फिर ये डिसाइड हुआ कि वो नानी के घर से सीधा मेट्रो से बस अड्डे पहुँचेगी और यहाँ से पापा उसका सूटकेस वगैरह लेके, बैग वगैरह लेके यहाँ से निकलेंगे। पहले तो पापा भी तैयार नहीं हुए कि एनी मोमेंट पे उनको इस तरह से जाना पड़े, वो घर भी नहीं आई, तो दिक्कत ये हुई कि फिर वो वहाँ से निकल गई,
बस अड्डे जाने के लिए मेट्रो में, और मेट्रो भी दो दो तीन तीन बदल के जाना था, यहाँ पे फिर वो कंफ्यूज हो गई। मतलब आधे रास्ते के बाद जब मेट्रो बदलनी थी तो वो फिर जिस रूट की बदलनी थी वो रूट थोड़ा उसने फिर अपोजिट साइड से लेनी थी, उसने फिर सीधी ले ली। मतलब उसका जो टाइम कम समय लगना था ज़्यादा टाइम लग गया। उसमें क्या हुआ कि उसको फिर बस जब उसे पता लगा अपनी गलती का, फिर उसे मेट्रो चेंज करनी पड़ी इस तरह से। और इसके पापा जो थे यहाँ से, उसने सामान भी अपना तैयार नहीं करके गई थी, हमने सूट केस निकाले, जो फ़ोन पे उससे एक दो कपड़े पूछे कौन से, जल्दी जल्दी में हमने जो समझ में आया हमने पैक कर दिया। और उसके बाद जो है फिर वो पापा इसके सूट केस लेके निकले, वो निकले थे मेरे ख्याल से 11:45 बजे ही घर से निकले। 11:40 की थी गाड़ी, 11:40 की बस थी, लास्ट बस थी वो। और फिर वो 11:45 नहीं, वो मेकर मुझे टाइम याद नहीं है, हाँ 11:45 ही निकले थे, मैंने उनको निकाल दिया था कि आप बस अड्डे पहुँच गए, वो आ रही है। अब इसके पापा जो थे ना वो पहले पहुँच गए, वो पहले की निकले हुई थी, तब तो पहुँची थी, उसने बताया ही नहीं कि वो गलत बीच में मेट्रो लेके गलत रूट से चल जा रही थी। मतलब थोड़ा बीच में उसको कन्फ्यूज हो गया था। तो जब वो मेट्रो स्टेशन पहुँची, उसके पापा उसे फ़ोन करते रहे, उसने बीच में उठाया नहीं, ठीक है। और जब वो मेट्रो स्टेशन पहुंच गई, वहाँ से फिर बस अड्डे की थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस था, और बस जो थी मान लीजिए उस समय हो रहे थे 11:25 हो रहे थे, बताओ। उसके पापा फ़ोन कर रहे थे, वो फ़ोन नहीं पिकअप कर रही थी, और पापा वहाँ पे लाइन में लगे थे कि टिकट लेनी है, टिकट पहले एडवांस बुक नहीं करी, टिकट लेनी थी, टिकट उन्हें मिल भी जानी थी, लेकिन इसने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो उस चक्कर में जब तक ये 11:35 पे वहाँ पहुँची, तब तक सारी टिकट फुल हो चुकी थी, मतलब उस बस की सारी टिकट फुल हो चुकी थी, उसको वो बस नहीं मिली। तो फिर वो फिर उसके बाद डिसाइड हुआ कि वो यहाँ से पहले दिल्ली से चंडीगढ़ जाएगी, और चंडीगढ़ की जो बस थी वो आई 12:20 पे और 12:40 पे निकल गई। वो उस बस में बैठ गई, उसमें टिकट मिल गई उसको, और उसको पापा ने बैठा भी दिया उस बस में। और उसके बाद जो है, पर प्रॉब्लम ये थी कि चंडीगढ़ के बाद फिर बस चेंज करनी थी, और जो दूसरा बस अड्डा था वो 2-3 किलोमीटर, जहाँ बस चंडीगढ़ के लिए रुकनी थी वहाँ से वो बस अड्डा 2-3 किलोमीटर दूर था। अब बताओ रात को वो अकेली लड़की थी, मतलब बस में और भी लेडीज़ थी, पर वो उस घर से मतलब बस में अकेली बैठी थी, उसके हाथ कोई नहीं था। तो फिर वो वहाँ से, मेरे को यही डर लग रहा था कि 4 बजे अगर वो सोती रह गई तो, पर वो लास्ट स्टेशन था बस का चंडीगढ़ वाला, तो उठ जाती। पर अब प्रॉब्लम ये भी थी कि मोबाइल भी उसके पास था महंगा, लैपटॉप भी लेके जा रही थी, तो दिक्कत थी कि भाई कुछ रास्ते में गड़बड़ ना हो जाए, मतलब कुछ हो ना जाए, क्योंकि इस रूट पर वो पहली बार जा रही थी। अपने बॉम्बे वाले रूट पर वो कई बार गई हुई है बाई रेल, पर वो इतना नहीं है, क्योंकि वो लंबा रूट है 23-24 घंटे का, पर ये रात का रूट था 7-8 घंटे का, इसमें थोड़ा सा। फिर चंडीगढ़ से बस भी चेंज करनी थी, वो सीधी वाली बस तो निकल गई उसकी, मतलब सीटें फुल हो गई थी, नहीं तो सीधी पहुँचा देती वो। तो ये प्रॉब्लम हुई। उसके बाद फिर वो चंडीगढ़ उतरी, वहाँ से फिर उसे 2-3 किलोमीटर फिर कोई कन्वेंस लेके अकेले जाना था, इसी का मुझे डर था कि रात का टाइम है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फिर सुबह उसकी बहन ने 6:45 पे फ़ोन किया, तो पता लगा कि वो बस में दूसरी जाओ जो जहाँ उसने जाना है उस बस में बैठी हुई है, बस चलने लगी है। मतलब वो बस वहाँ से उसे 6:45 पे पकड़ी। अब उसे 2-3 घंटे का आगे और सफ़र तय करना था, पर दिक्कत ही हो गई, उसके बाद उसका मोबाइल ही ऑफ हो गया। तो अब जब मैंने सुबह 9 बजे उसे फ़ोन किया, मुझे लगा था वो 8 बजे तक पहुँच चुकी होगी, 9 बजे फ़ोन किया तो उसकी बहन कह रही कि वो तो पहुँची ही नहीं है, उसका फ़ोन भी ऑफ आ रहा है। तब और दिक्कत हो गई कि अब क्या हो गया, फ़ोन कैसे ऑफ हो गया। फिर उसके बाद जो है ना, उस बाद में हमें थोड़ा पता लगा, फिर मुझे डर भी लगा कि तब तक कुछ रास्ते में हो ही ना गया, और रात को जो 2-3 किलोमीटर के मतलब रात को जाना था दूसरी बस लेने के लिए, उसमें तब कोई गड़बड़ ना हो गई हो, मोबाइल भी लेके जा रही है, लैपटॉप भी लेके जा रही है, तो फिर इसलिए मुझे अकेले भी जा रही है, तो डर लग रहा था मुझे। तो हुआ फिर ये कि फिर जब उसका फ़ोन की बैटरी खत्म, बाद में फिर ना उससे एक बार बात हुई मेरी, तो वो कह रही थी बैटरी खत्म हो गई थी पूरी, और बैटरी 1% रह गई थी, तो ज़रा सी बात हुई तो मैंने उससे बोला कि जल्दी से बैटरी चार्ज करो। फिर किसी दुकान में गई, एक जगह तो वो बैटरी चार्ज नहीं हो पाई, सॉकेट ही ख़राब था, और दूसरी जगह जो थी उसने फिर बैटरी 20% कर लिया, और वहाँ से ब्रेकफास्ट भी कर लिया। और उसके बाद फिर उस जगह से फिर आगे एक और बस लेनी थी, अब उसको आगे जो बस लेनी थी उसका रास्ता उसे पता नहीं था, मतलब कि कहाँ से बस लेनी है कैसे लेनी है, तो वो उसे पता नहीं था। तो मैंने उसे तभी समझाया कि जल्दी से फ़ोन चार्ज करो किसी भी दुकान में जाके, और उसके बाद हमसे कॉन्टैक्ट करो, हम बताएंगे आगे कैसे जा रहा है। और बाद में फिर मुझे पता लगा कि वो सही बस में बैठ गई और चली गई, पर उसे देखो रास्ते में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगर वो पहले से ही प्रिपेयर होती, अपना अटैची घर से ही तैयार कर रखा होता, और टाइम से अपना मतलब वहाँ जाती और वहीं से वापस जल्दी घर आ जाती, तो फिर पापा उसे सही टाइम पर बस अड्डे ले जाते, वहाँ टिकट भी मिल जाती, दोनों एक साथ जाते तो टिकट भी मिल जाती आराम से, एक दूसरे का वेट भी नहीं करना पड़ता, और सीधी बस मिलती जो उसे सुबह 7 बजे वहाँ पहुँचा देती। और 7 बजे सुबह कोई 6 बजे या 7 बजे सुबह मॉर्निंग में कोई इतना खतरा नहीं है, जो पहले भी गया उसको नहीं ज़्यादा कोई डर लगता।
तो उसके बाद फिर ये जो बदल बदल के बस में जाना था, इसमें बहुत ही मतलब परेशानी भी हुई और डर भी लगा, पर सही पहुंच गई वो 12 बजे तक जाके पहुंची वो, जब जहाँ जाना था उसे। कितना टाइम भी ज़्यादा लगा बताओ, अगर सीधी बस ली होती ना 11:40 वाली तो वो सुबह 7 बजे वहाँ पहुँचा देती और आगे एक और बस लेके 8 बजे वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुकी होती। तो इस तरह से देखो कितनी प्रॉब्लम्स आई। बच्चे क्या करते, मैं उसको रास्ता बताया भी था पर वो ना बच्चे कई बार पेरेंट्स के सुनते नहीं है ध्यान से, मतलब फिर कहते हैं आपने बताया ही क्या था। मैंने उसे बताया था कि आपको अपोजिट साइड से बस लेनी है, जहाँ पर उतरना वहाँ से अपोजिट साइड से लेनी है, उसने सुना ही नहीं। बच्चे ना बहुत हड़बड़ी में होते हैं, उस हड़बड़ी की वजह से वो पेरेंट्स की सुनते ही नहीं है कई बार, और फिर वो खुद भी दुखी होते हैं और उसके चक्कर में पेरेंट्स भी दुखी हो जाते हैं। तो बच्चों को या किसी भी लेडीज़ को रात को घर से निकलते टाइम बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। चलो शुक्र है वो सही सलामत पहुंच गई और फिर हमारी टेंशन दूर हुई। और चलो अपने आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं क्या दूसरे ब्लॉग में नए मूड के साथ। सुबह सुबह का तो बहुत टेंशन वाला काम रहा है, रात से ही टेंशन थी थोड़ी बहुत, तो सही से पहुँच गया क्योंकि दूसरी सीढ़ी नहीं मिली थी। और बस जब तक वो पहुँचे मेरी टेंशन लाइट नहीं हुई थी, जब तक लगे 12 बजे वो पहुँच गई तो फिर टेंशन खत्म हुई। पर मेरी तबीयत आज सुबह से लूज मोशन लग गए थे मुझे, तो तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। फिर बीच में मैं 2 घंटे सो भी गई, फिर 4 बजे से उठ के फिर दोबारा से काम कर रही हूँ। तो मैंने सोचा ब्लॉग बना लेती हूँ और जो प्रॉब्लम है आपको बता देती हूँ। तो इसी से मुझे आइडिया आया कि एक और वीडियो बनानी चाहिए इसी टॉपिक पे। मैं अभी दूसरी वीडियो में आपसे मिलती हूँ, इसमें वीडियो में मैं बताऊंगी किस तरह से मतलब क्या क्या जाना चाहिए। और चलो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपको नई वीडियो में, नए ब्लॉग में, अच्छे मूड के साथ। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय। अब टेंशन दूर हो चुकी है और डेस्टिनेशन पे पहुँच चुकी है, अपनी चिंता नहीं, पर हमेशा बच्चों को समझ में आना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे तो खुद दुखी होते हैं, पेरेंट्स और भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं।